आज जो है कैमरा लेने के लिए आ गए हैं एंड शॉप भी खुली हुई है, तो मैं जो कैमरा ले रही हूँ उसके ऊपर अभी क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी आई है मुझे, तो एडवांस भी पे कर दिया है अगर ले लेती हूँ फाइनली, क्योंकि कहीं से मंगवाना है, वो गोडाउन से मंगवाना है, तो वी आर वेटिंग, तो जैसे आ जाता है आई विल टेक एंड देन आई विल रिवील कि कौन सा कैमरा मैं ले रही हूँ। सो फाइनली मैंने कैमरा ले चुका है, दिस इज़ M50 कैनन का, अभी ओपन कर रहे हैं और इसको यूज़ कैसे करना है थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करेंगे। So this is the camera which I am taking. This is Canon EOS M50 and वैसे तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज प्रॉपरली सारे आइटम्स है कि नहीं यहाँ चेक करके ही ले जाना है, इसलिए तो पूरा पेमेंट करने के बाद ही ये लोग जो है सील ओपन करते हैं, अदरवाइज तो कोई आशंका ही नहीं है। एंड ये पता नहीं क्या है, ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा एक अगर बंदे को डेमो मिल जाए भाई क्लैरिटी कैसी है, उसके बाद वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि ये लेना है, इससे सस्ता लेना है या महंगा लेना है। ओनली यूट्यूब के रिव्यूज़ देख, मैंने तो इससे पहले ज़िंदगी में कैमरास यूज़ नहीं करे, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बड़ा वाला डिसीजन। सो यहाँ पे अभी अनबॉक्सिंग हो रही है, बट आई विल मेक अ प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो फॉर यू एंड वेयर इन आई विल एक्सप्लेन कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ चेक करे हैं लेकिन कहीं पर भी मुझे प्रॉपर यूजेज नहीं समझ आया इसका, किसी ने इतना प्रॉपरली नहीं दिया है। मैक्सिमम जो भी वीडियोस है यूट्यूब पे M50 के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाले हैं, लेकिन किस टाइम पे क्या कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है वो नहीं है। तो कैमरा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड इससे पहले जो कैनन का 200D था उससे अपग्रेडेड है, इसमें थोड़े ऑप्शंस उससे ज़्यादा है। एंड कैनन 200D को आप कैरी करके कहीं लेके नहीं जा सकते हो, मतलब लेके जा सकते हो बट इट इज़ बिग, थोड़ा बड़ा है व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन दिस इज़ कॉम्पैक्ट, व्लॉगिंग के लिए एकदम बेस्ट कैमरा है, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, कोई कैमरा बेस्ट नहीं होता है, किसी में एक चीज़ प्लस होती है तो एक माइनस होती है, तो वो ऊंच नीच तो होती ही रहती है। मैंने कैमरा ले चुका है, ये रहा, एंड आज भी बाइक पे ही गए थे बिकॉज वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो फाइनली एक डिसीजन कैमरा लेने का, मतलब मैं पेंडिंग करते जा रही थी और फाइनली मैंने ले लिया है। अब आपको मिलेंगे क्लैरिटी वाले वीडियोस कुछ दिनों के बाद में, बिकॉज अभी मुझे यूज़ करना नहीं आता है, सो आई हैव टू सी कि कैसे यूज़ करना है, क्या ऑप्शन है, क्या है, बहुत सारा रहता है तो उसकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेट्स सी ये कैसा रहता है। तो विश मी ऑल द लक कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखूँ। अभी घर पे आ चुके हैं एंड इनको बच्चों को भी बताया कि कैमरा ले लिए, तो बहुत जल्दी मचा रहे कि दिखाओ, तो अभी तो मेरे को उसको अच्छे से ऑन करना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो इट विल टेक टाइम फॉर मी टू यू नो गेट प्रॉपर ग्रिप ऑन ऑपरेटिंग दिस कैमरा। 50,000 कैमरा सी कैमरा అక్షర ముట్టుకొని నేను ఏమ ముట్టుకోలేదు ఎందుకు ముట్టుకోలేదు అక్కడ అక్షరం push and hold the lens switch and then you go push and hold the lens switch it's not तो ये रहा अपना कैमरा, ये रहे अपने बच्चे। <I'm very good. laughs>
सो मेरे को बड़ी टेंशन सी हो रही है इसको यूज़ कैसे करूँगी, क्योंकि फ़ोन के साथ इतना कंफर्टेबल हो गई हो ना। तो अपने हस्बैंड को मुझे बड़ा डर सा लग रहा है कि मैं यूज़ कर पाऊँगी नहीं, कि करूँगी कि नहीं, क्योंकि इनवेस तो ये है M50, इसका कॉस्ट है 51,900 कुछ चेंज है, एंड हमको मिला है ये एग्जैक्टली 48,000 का। एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लगाई है जिसमें 2,000 तो और लगे हैं, जैसे लेंस गार्ड है, स्क्रीन गार्ड है, एंड और क्या है जो है छाया ना पड़े उसके लिए ये एक लेंस हुड है, तो ये सारी चीज़ों के लिए और 2,000 रुपये लगे हैं। तो वो जब भी हम जब भी हम कैमरा खरीदते हैं तो थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे तो इतनी धूल मिट्टी होती रहती है घर में, उसकी वजह से जो है लेंस उसके ख़राब हो सकते हैं। बट लेकिन अभी पूरा सेफ्टी के साथ आई हैव टेकन द कैमरा, सो हैप्पी। एंड आज दिन भी बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मेरे को तो पता नहीं होता है बिकॉज मैं वैसे कुछ नहीं देखती हूँ, तो मुझे लेना था मैंने ले लिया, एंड आई होप इसके साथ जो अपना फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहे, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ विश मी ऑल द लक, वेरी एक्साइटेड। एंड पहले जो है हम फोटो एक पूरी फैमिली के साथ भगवान के साथ मिलके लेना चाह रहे थे, लेकिन बैटरी नहीं है तो 10 मिनट चार्ज हो जाए उसके बाद विल टेक अ स्नैप एंड देन आवर जर्नी विल स्टार्ट। हैप्पी वुमेंस डे। भूल गए अभी शाम को क्या 8:15 हो रहा है, अभी विश कर रहे हैं हैप्पी वुमेन्स डे। दोनों मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई वांट टू सी द कंपैरिजन कि कौन सा क्लैरिटी आ रहा है। मुझे तो अभी फोन का ही ज्यादा क्लैरिटी लग रहा है, क्या चक्कर है कि पता नहीं।